शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं पपुआ न्यू गिनी के मैप के बारे में। कुछ बेसिक फैक्ट हम देखेंगे, इसके साथ साथ में इसकी वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ है, इसका जियोग्राफिकल मैप, इन सब को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। पहला मैप जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैप पपुआ न्यू गिनी का राजनैतिक नक्शा है, पॉलिटिकल मैप ऑफ पपुआ गिनी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के साथ में लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। किस तरफ से शेयर कर रहा है, इसका जो कहना चाहिए नॉर्थ वाला और पश्चिम वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा शेयर होता है किसके साथ में, इंडोनेशिया के साथ में। ये वाला हिस्सा, ये इसका नॉर्थ हिस्सा हो गया, ये पश्चिम वाला हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया के साथ में लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। यदि आप नीचे की तरफ में आते हैं पपुआ न्यू गिनी के, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ग्रेट बैरियर रीप को दर्शाया गया है और फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चालू हो जाता है। यदि आप इसके साउथ की तरफ में आते हैं और पश्चिम की तरफ में आते हैं तो बहुत सारी यहाँ पर हमको खाड़ी भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि गल्फ ऑफ पपुआ, ये गल्फ ऑफ पपुआ है। अब वहीं यदि हम इसकी कैपिटल की बात करें, ठीक है, तो ये स्टार्स यहाँ पर दर्शाया गया है इसकी कैपिटल को, पोर्ट मोरसेबे नेशनल कैपिटल। अलग अलग इसको हिस्सों में हमने बांट दिए हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ओरो प्रोविंस इसको बोलते हैं, एकदम नॉर्दर्न वाला हिस्सा है। पपुआ न्यू गिनी में भी हमको छोटे मोटे बहुत सारे आइलैंड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला आइलैंड को आप देखिए, ये वाला द्वीप देखिए काफ़ी बड़ा है, न्यू ब्रिटेन आइलैंड। इसके बाद ये वाला है न्यू आयरलैंड, ये है ताबार आइसलैंड, ये है तस्कुल, ऐसे छोटे मोटे हमको बहुत सारे द्वीप देखने को मिल जाते हैं। अब बारी आ जाती इसके भौतिक नक्शे की, फिजिकल मैप की। तो ज़्यादातर देखा जाए ना, फिजिकल मैप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। नॉर्मली देखा जाए तो आइलैंड नेशन के बारे में, द्वीपों के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि ये द्वीप कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, किसके अंडर में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डार्क ग्रीन कलर दिखेगा, डार्क ग्रीन कलर यहाँ पर दर्शाया गया है ऊंचे वाले स्थान को, जैसे कि पठारी एरिया हो सकता है, और भी ऊंचाई में यदि आप जाते हैं तो पर्वत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल रेंज देखने को मिलती है ज़्यादातर हिस्से में, बीचों बीच में इस प्रकार से ये सेंट्रल रेंज फैला हुआ है, और यहीं पर आपको माउंट विलहेम, क्या नाम रखा गया है, माउंट विलहेम, और यहीं पर ट्रायंगल से इसका हाईएस्ट पॉइंट दिखाया गया है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और नीचे की तरफ हम जब जाते हैं कोरल सागर के तरफ में, तो यहाँ पर पोर्ट मोरसेबे पड़ती है जो कि इसकी कैपिटल है। टोरेस स्ट्रेट देख रहे हैं जो कि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया केप यॉर्क दोनों को अलग करने का काम करती है, ये और ये हिस्सा किसके माध्यम से अलग होता है, टोरेस स्ट्रेट के माध्यम से, जल संधि के माध्यम से। इसके अलावा गल्फ ऑफ पपुआ, हुआन गल्फ, ठीक है, ये दो खाड़ियाँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं जो कि पपुआ न्यू गिनी से रिलेटेड हैं। कई सारे सागर हमको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि यदि आप पपुआ न्यू गिनी के साउथ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो कोरल सागर पड़ेगा, यदि आप पूर्वी हिस्से की तरफ में जाते हैं तो सोलोमन सागर है, और कहाँ पर बिस्मार्क सागर पड़ेगा आपका, इसका ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको,
ये बिस्मार्क सागर है। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। तो जो पापुआ न्यू गिनी है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड एक कंट्री है। पैसिफिक ओशियन में भी उसका जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसमें इंक्लूड है ईस्टर्न हाफ ऑफ द आइसलैंड ऑफ न्यू गिनी। बड़ा वाला जो आप द्वीप देख रहे हैं वो है न्यू गिनी। इसके साथ साथ में बहुत सारे नेबरिंग आइसलैंड हमको देखने को मिल जाते हैं। पापुआ न्यू गिनी सिचुएटेड है कोरल सागर और साउथ पैसिफिक ओशियन सागर के बीच में, और इंडोनेशिया के पूरब की तरफ में पड़ेगा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं तो ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, तब पापुआ न्यू गिनी पड़ेगा। पापुआ न्यू गिनीज टेरेन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ माउंटेनियस एंड रोलिंग फुटहिल। यहाँ पर ज़्यादातर आपको पहाड़ी एरिया देखने को मिल जाता है। पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बीच में लोकेटेड है, इसीलिए यहाँ हमको बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर इनका फ्रिक्वेंट तरीके से इरप्शन भी हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब बार बार यहाँ पर वॉल्केनिक घटनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। अर्थक्वेक भी यहाँ पर रिलेटिवली देखा जाए ना तो कॉमन रूप से आते रहते हैं, रेयरली ए कंपेंड बाई टू सुनामीज, और उसके साथ साथ में सुनामी भी हमको देखने को मिल जाती है। पापुआ न्यू गिनी की पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है कि लगभग 7 मिलियन है, 2012 का ये डेटा है। इसकी जो कैपिटल है वो लार्जेस्ट सिटी है पोर्ट मोरेस्बे। यहाँ पर जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो इंग्लिश है ऑफिशियली, टोक पिसिन है एंड इंग्लिश बेड सीरोइल जिसको बोलते हैं। बॉर्डर कंट्री की यदि हम बात करें तो इंडोनेशिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है ये अपने पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ, नॉर्दर्न और पश्चिमी वाले के हिस्से की तरफ। इसके साथ साथ में मैरीटाइम बॉर्डर बहुत सारी कंट्री के साथ शेयर करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, सोलोमन आइलैंड, न्यू सेलेडोनिया जो कि फ्रांस के अंतर्गत में आ जाता है। पापुआ न्यू गिनी की स्थापना हुई थी 1949 में फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन ऑफ पापुआ। पापुआ से बना है पापुआ न्यू गिनी, ये एक ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी रहा है 1906 से ही। एंड द ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ न्यू गिनी, नॉर्थ ईस्ट न्यू गियाना जिसको बोलते हैं, विच वॉज फॉर्मरली अंडर जर्मन कंट्रोल। पहले ये जर्मन कंट्रोल में रहा करता था। एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रस्टीशिप सिंस 1921, ऑस्ट्रेलियन ट्रस्टीशिप में 1921 से ही है। फिर 1975 में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था विद इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब बात आ जाती है कौन कौन सी यहाँ की मेजर रिवर हैं। तो देखिए, लेक की बात यदि हम करें, वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ में जाते हैं, वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ यदि हम जाएं तो ये वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न प्रोविंस हो गया इसका, इसमें लेक मुर्रे और इसी के किनारे से होकर के गुजरती है सिरिकलैंड रिवर। क्या नाम है? सिरिकलैंड रिवर, जो कि फ्लाई रिवर की एक सहायक नदी है। ये यहाँ से निकली है, यहाँ से होते हुए ये गल्फ ऑफ पापुआ में अपने पानी को गिराती है। एक है रामू रिवर, और झील की यदि हम बात करें तो चामरी लेक है, और एक है सेपिक रिवर। तो 2-3 रिवर यहाँ की मेन मेन है जो कि इस मैप में दर्शाया गया है, इनको भी हमने देख लिया है। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बातें बताई गई हैं। पापुआ न्यू गिनी एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पीएम के साथ में। पापुआ न्यू गिनी साइन करेगा एक सिक्योरिटी पैक्ट यूनाइटेड स्टेट के साथ में, जिसके अंतर्गत जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं इनको एक्सेस मिल जाएगी पैसिफिक नेशंस के पोर्ट्स और एयरपोर्ट में, ऐसा कहना है थर्सडे के दिन इनके लीडर का। अब अमेरिका की जो सेना है इसके पोर्ट में जा सकती है, इसके एयरपोर्ट्स में अब इनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। एक सिक्योरिटी पैक्ट यहाँ पर साइन होने वाला है।
यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ प्लेस्ड मोर इम्पोर्टेंस ऑन द पैसिफिक ओवर कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंगली असर्टिव चाइना। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना इस प्रकार के जो आइलैंड कंट्री हैं उनके साथ में अपने रिश्तों को मजबूत करते जा रहा है, उसी के काउंटर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। विच इज़ ट्राइंग टू वू नेशंस विथ एन एरे ऑफ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव इन रिटर्न फॉर स्ट्रेटजिक सपोर्ट। चाइना क्या काम करता है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर की बात यह है, वो जो कंट्री है उसको अपनी तरफ खींचने का भी काम करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे करके उस देश को अपनी तरफ में वो खींच लेता है। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मेरापे, इनका कहना है कि दो एग्रीमेंट हैं जो कि फोकस करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर एंड मैरीटाइम सर्विलांस के ऊपर। ठीक है, इसमें दोनों देश एग्री हो गए हैं विद वाशिंगटन एंड वुड बी फॉर्मली साइंड एट द अर्लियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा इसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे। एग्रीमेंट के बारे में यदि हम बात करें, जो कि रिन्यू होता है हर 15 साल में, विल गिव द US वाइटल मूवमेंट इन पपुआ न्यू गिनीज वाटर नियर सी रूट टू ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इन रिटर्न फॉर एक्सेस टू US सैटेलाइट सर्विलांस, ऐसा उनका कहना है। सैटेलाइट के माध्यम से सर्विलांस भी हो पाएगा, रास्ता भी मिल जाएगा, जापान जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली है। एक ड्राफ्ट वर्जन यदि हम देखें, एक लीक्ड ड्राफ्ट वर्जन की बात करें, तो जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इससे पता चलता है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं इनके पास में ब्रॉड ऑटोनॉमी रहने वाली है एट सम ऑफ द कंट्रीज की एंट्री पॉइंट में। बट मिस्टर मेरापी सेड एनी एक्सेस वुड हैव टू बी अप्रूव्ड बाय हिज गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ की सरकार का कहना है कि ये बात इतनी आसान नहीं है, आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा तब जाकर के आप ऑटोनोमस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा कहना है पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का। इसके बाद में हम सीधे एडिटोरियल वाले पेज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल में कौन कौन से मैन मैन फैक्ट हो जाएंगे। पहला जो एडिटोरियल आप देख रहे हैं वो मनी से रिलेटेड है, पार्टिकुलरली पैसे के चलते चलते हम देखते हैं हमारे देश में कितनी असमानताएं हैं, उसी के ऊपर ये फोकस करता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो किस प्रकार से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने लगता है। एक बुक का नाम आपको याद रखना है, इट इज़ ओके टू बी एंग्री अबाउट कैपिटलिज्म। यदि आप कैपिटलिज्म की आलोचना कर रहे हैं, पूंजीवाद की आलोचना कर रहे हैं, पूंजीवाद हम किसको बोलेंगे, जिसके अंतर्गत क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कितने प्राइस पर बेचना है, ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट डिसाइड करता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहा जाता है। वहीं यदि हम सोशलिज्म की बात करें तो क्या चीज़ हम उत्पादन करेंगे, कितना उत्पादन करेंगे, उसको किस रेट पर बेचना है, इसको यदि सरकार कंट्रोल करती है तो इसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। तो एक बुक है जिसका टाइटल है इट इज़ ओके टू बी एंग्री अबाउट कैपिटलिज्म, जिसके लेखक हैं बर्नी सैंडर्स। कई कई बार बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, पार्टिकुलरली जिनका उल्लेख एडिटोरियल में किया जाता है, इसलिए हमें बुक का नाम भी याद रखना है। तो यहाँ पर पूंजीवाद के चलते चलते बहुत सारी असमानताएं पैदा हुई हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा इस बुक में उल्लेख किया जाता है। फिर इसके बाद बात करी जाती है कि किस प्रकार से जो ज़्यादा कमा रहे हैं, कैपिटलिज्म के चलते चलते यदि इतनी ज़्यादा असमानता बढ़ गई है तो एक काम करते हैं, जो 100 रुपये से ज़्यादा कमाएगा, आपने यदि 150 रुपये कमाए हैं तो सरकार वो 50 रुपये आपसे जब्त कर लेगी, ऐसा कुछ आइडिया दिया गया था किनके द्वारा, वर्माउंट सीनेटर
एक रेडिकल आइडिया लेकर के आए थे यूएस गवर्नमेंट को लेकर के, यूएस गवर्नमेंट को जब्त कर लेना चाहिए 100% ऑफ एनी मनी दैट अमेरिकन मेक अबाउ $999 मिलियन। $999 मिलियन से यदि आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो पैसा सरकार जब्त कर लेगी, ऐसा कहना है। लेकिन ये चीज़ उतनी ज़्यादा कारगर होने वाली नहीं है। अब आगे यहाँ पर जो बात करी जाती है, देखिए मेनली जो फोकस रहता है वो मनी एंड उसके इन्फ्लुएंस का। मनी एंड उसके इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? मेरे पास पैसा है, मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। सरकार की पॉलिसी को कितना प्रभावित करने की हम हिम्मत रखते हैं? क्या हमारे हिसाब से सरकार की पॉलिसी आ रही है कि नहीं आ रही है, मेन चीज़ ये हो जाता है। तो क्या मनी की जो पावर है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है? रिच पीपल माइट हैव ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी चेंजेस इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारे प्लेसेस में हम देखते हैं ये जो रिच पीपल रहते हैं इनके हिसाब से पॉलिसी चेंजेस आते रहते हैं। एज वन मैनी परसीव्स, बट वेयर इज द एविडेंस? एविडेंस की बात करी जाती है कि कहाँ पर मिलेगा। एक रिसेंट वर्क है जिसको पब्लिश किया गया था अप्रैल के महीने में, ब्रिटिश जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक पत्रिका है, इसमें ये चीज़ छापी गई थी। माइकल पर्सन्स एंड एंड्रे सुंडेल, ये दो स्वीडिश रिसर्चर हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेनबर्ग में काम करते हैं। इन्होंने ये बताया था कि हैविंग मनी इंक्रीज यूअर ऑड्स ऑफ अचीविंग यूअर गोल। यदि आपके पास में मनी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये है आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो आपकी जो कठिनाइयां हैं, आपकी जो सहूलियत है, सुअवसर है। तो यहाँ पर जो ऑड्स वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है सहूलियत। यदि आपके पास में पैसा बढ़ते जाता है, इसका मतलब ये है आप अपने गोल को अचीव करने में सहूलियत महसूस करेंगे। उन्होंने एग्जामिन करा था एक सर्वे डाटा का, प्रेफरेंस दिया गया था लगभग 3000 पॉलिसी प्रपोजल्स का फ्रॉम 30 यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग 38 ईयर पीरियड। 38 साल का टाइम पीरियड है, इसमें टोटल आ रही हैं 30 कंट्रीज और 3000 पॉलिसी के इसमें प्रपोजल थे। इसके अध्ययन से क्या पता चला? तो विच इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन ऑन वेदर और नॉट ईच पॉलिसी प्रपोजल वाज इम्प्लीमेंटेड। इससे पता ये चला था कि ये जो पॉलिसी प्रपोजल थी जिसमें कवर किए जाते हैं कुछ टॉपिक जैसे कि वेलफेयर, इमिग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, एनवायरनमेंट, इन ऑल बट टू यूरोपियन कंट्रीज दे फाउंड दैट रिच कंसिस्टेंटली हैव ए हायर लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग व्हाट दे वांट। अमीर लोग क्या चाहते हैं वो चीज़ उनकी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आज के टाइम में ये एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन है, जो एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ रिच हाउसहोल्ड है सपोर्टिंग पॉलिसीज वाज 57% कंपेयर टू 53 फॉर लो इनकम हाउसहोल्ड। तो उनकी पॉलिसीज़ को, उनके विचार को जो सपोर्ट मिलता है वो 57% मिलता है, और जो गरीब लोग हैं उनके विचार, वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कुछ पॉलिसी आए, तो ऐसी घटनाएं होती हैं 53%। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट देयर वाज नो प्रूफ दैट वेरिएशन इन अनइक्वल कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है अनुरूपता वर कनेक्टेड विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशन वोटर टर्नआउट और यूनियन डेंसिटी। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बताती है कि भारत किस प्रकार से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको सेफ दे रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में संपर्क बना के चल रहा है और क्या क्या इसका लाभ हम ले पा रहे हैं।
अभी रिसेंटली यदि हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्बार्क्स ऑन ए वीक लॉन्ग जर्नी टू जापान। ठीक है, अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पोतारोहण कर रहे हैं, जहाज पर चढ़ रहे हैं एक लॉन्ग वीक जर्नी की, कहाँ? जापान, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। डेट है 19 मई से। ए नंबर ऑफ सब्सटेंसिव गोल इशू आर ऑन द इविल। बहुत सारे ग्लोबल इशूज ऐसे हैं जिसको डिस्कशन किया जाना है। इसमें G7 के कंट्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, और जापान भी ये जाने वाले हैं। जापान में कहाँ पर? हिरोशिमा। एज वेल एज ड्यूरिंग हिज ट्रेवल फ्रॉम देयर विद बायलैटरल इशूज टेकिंग ए बैक सीट टू इंडियाज पोजिशन इन द मल्टीलैटरल स्पेस। भी है मल्टीलैटरल बातचीत तो होने ही वाली है यदि हम इस प्रकार के किसी ग्लोबल संगठन की तरफ में जाते हैं तो। इसके साथ साथ में इंडिया चाहता है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन हैं वो भी अच्छे रहें, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया कंटिन्यू संपर्क बनाए रखता है। चूँकि ये जो क्वाड समिट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US शामिल हैं, ड्यू टू बी हेल्ड इन सिडनी हैज़ बीन कैंसल्ड इन वेक ऑफ US प्रेसिडेंट जो बाइडन्स डोमेस्टिक ट्रबल। अमेरिका में डोमेस्टिक रूप से कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिसके चलते चलते इसका जो समिट है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था सिडनी में, उसको कैंसिल कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। प्रेसिडेंट जो बाइडन का डोमेस्टिक ट्रबल चल रहा है। All four quad leaders will meet on the sideline of G7. काम करते हैं, यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं तो अभी G7 की जो मीटिंग होगी यहाँ पर हम मिल लेते हैं। Following this foray with the Indo-Pacific Coalition of Democracies, Mr. Modi will be Washington in June for a state visit, a rare honor accorded by the US President that has been reserved for Only two Indian leader in the past. अभी तक जो रेयरली से रेयरली लोग हैं, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1963, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2009, तो ये स्टेट विजिट में जाने वाले हैं, ठीक है, जो कि ऑनर है, प्रोवाइड किया जाता है US प्रेसिडेंट के द्वारा, इसमें भी शामिल होने वाले हैं। The visit will be marked by many strategic forays to bring India-US tie closer. इससे क्या होगा? भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। जब वो वहाँ से वापस आएंगे, मिस्टर मोदी को जरूरत पड़ेगी टू पिवोट टू अपोजिंग कोएलेशन हाउएवर होस्टिंग द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट शेड्यूल्ड फॉर 3 से लेकर 4 जुलाई, वेयर ही इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव चाइनाज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट, द सून टू बी एडेड SCO मेंबर, द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम राइसी, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस अलेक्जेंडर लुकासेंको एंड द अदर गेस्ट। जैसे ही वो वापस आएंगे फिर SCO की मीटिंग में बिजी हो जाएंगे, जिसका डेट रखा गया है 3 से लेकर 4 जुलाई का। यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? चाइना, रसिया, पाकिस्तान, ईरान, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इसके बाद SCO संगठन के बारे में बात किया जाता है कि ये संगठन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारे ग्रुप का निर्माण किया है, अमेरिका बहुत सारे संगठनों का निर्माण कर रहा है, लेकिन उन सबसे उनको काउंटर करने के लिए हमारा जो एशियन कंट्रीज़ है वो एक संगठन के रूप में कभी नहीं आ पाए हैं। उनको इकट्ठा करने का काम SCO करता है, मतलब यूरोपियन कंट्री जिस प्रकार से इकट्ठे होकर के बहुत सारे ग्रुपों का निर्माण करते हैं, वैसा काम उसको काउंटर करने के लिए SCO का निर्माण किया गया था। इसमें हमने म्यांमार जैसे स्टेट को इंडक्टेड कर लिए हैं। इंडक्ट करना मतलब होता है शामिल करना, प्रतिष्ठापित करना, प्रारंभ करना। इसमें हमने शामिल किए हैं म्यांमार को एज ए ऑब्जर्वर स्टेट। गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ इट बीइंग ए लार्जली एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग।
जो संकेत देता है कि ये बड़े पैमाने पर एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग के तौर पर काम करता है। प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो एवरी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है वेस्ट पार्ट के द्वारा। विथ SEO ए ग्रुपिंग दैट रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। SEO में बहुत बड़ी जनसंख्या शामिल है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा SEO में निवास करता है। GDP शामिल है, ग्रोथ शामिल है, एनर्जी रिजर्व मौजूद है। इंडिया हैज़ कम्फर इन इट्स कॉमन स्टैंड अगेंस्ट यूनिलेटरल सेंक्शन सच एज दोस अगेंस्ट रसिया। रसिया के ऊपर जिस प्रकार से सेंक्शन लगाया जाता है तो इंडिया इस मामले में काफ़ी कंफर्ट महसूस कर रहा है। इट इज़ कॉमन स्टैंड अगेंस्ट यूनिलेटरल सेंक्शन, यूनिलेटरल तरीके से जो सेंक्शन लगाए जाते हैं उसके खिलाफ में इंडिया खड़ा है। एक लेसन या फिर दो लेसन हम सीख सकते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर SCOCFM से, हेल्ड इन गोवा अर्लियर दिस मंथ। अभी गोवा में यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं SCO के CFM वाली मीटिंग से, जहाँ पर इंडिया का जो बायलेटरल रिलेशन है विथ मेनली पाकिस्तान के साथ में, लेकिन चाइना के साथ में एंड इवन रशिया के साथ में वर अलाउड टू ओवरशैडो मोर सब्सटेंसिव मल्टीलेटरल आउटकम। तो यहाँ पर हमको ओवरशैडो देखने को मिल रहा है। ओवरशैडो मतलब होता है रक्षा देना, छाया डालना, साया करना या फिर ढाक के रखना। कुल मिलाकर के एक तरफ पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं, दूसरी तरफ रशिया से, तीसरी तरफ चाइना, चाइना पाकिस्तान रशिया तीनों से हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई जाती है कि ये जो संगठन है इसकी जो मीटिंग है हमें जोड़ने का काम करेगा। ये पार्टिकुलरली देखा जाए ना तो एनोइनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में चिढ़ पैदा करना। टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज दैट हैव ऑलवेज इंस्टेटेड दैट नो बायलेटरल इशू आर ब्रॉट अप टू एट द SCO। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनका दिमाग इसलिए ख़राब रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि बायलेटरल इशूज़ लेकर के आप SCO में नहीं पहुँचते। लेस्ट इट गो द वे ऑफ द अदर रीजनल साउथ एशियन ग्रुपिंग द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसी प्रकार का एग्जाम्पल हम देखते हैं SAARC के अंतर्गत में। इसके बाद फ्रंट पेज पर हम चलते हैं और देख लेते हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और न्यूज़ हम देखने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी ने इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी के चलते चलते यदि देखा जाए ना तो सोच रहे थे कि कौन बनेगा अगला CM, कौन बनेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा रही। तो कांग्रेस ने एंड कर दिया है अनिश्चितता को और सिद्धारमैया को बना दिया है एज ए CM। तो कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला, ठीक है, इसके साथ साथ में जो सिद्धारमैया हैं एंड DK शिवकुमार इन बंगलुरु ऑन थर्सडे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिद्धारमैया है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है कर्नाटका का। मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ प्रावधान यदि हम देखें तो आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। जो पार्टी जीतेगी, पार्टी जीतने के बाद फिर से वोट कराते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल के पास में नाम मात्र की कार्यकारी पावर है, लेकिन असली पावर मुख्यमंत्री के पास में रहती है। हालांकि राज्यपाल के द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, दृष्टा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं कि आप थोड़ा अपने विवेक से काम करिए, तो फिर मुख्यमंत्री उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
अब इसको विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, यदि नहीं ग्रहण कर पाता है तो फिर मुख्यमंत्री पद से उसको त्याग देना पड़ेगा। कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है अपनी पोस्ट को, लेकिन राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त नहीं करेगा जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत है। जैसे ही उसके सदस्य इधर उधर भागना चालू किए, दूसरी पार्टी में भागना चालू किए, उसका बहुमत कम हुआ, समझ लो उनकी पार्टी गई, उसको अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। यदि वो विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। इसकी शक्ति और कार्य के बारे में बताया जाता है, राज्यपाल से संबंध बताए जाते हैं, विधानमंडल के साथ में क्या उसका संबंध होता है।